बेबी क्या हो गया, इतना एक्साइटेड लग रहे हो? हमारी कुंडली मिल गई, हम शादी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? लेकिन बेबी मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। मैं तुमसे पहले भी और 20 औरतों के साथ सो चुका हूँ। ओह नो। हाँ पता है मुझे। कैसे? अरे जब कुंडली मिली है तो आदित्य भी तो मिलती होगी ना। खत्म। खबर आ रही है उत्तर बिहार से, आजाद खान। अरे तुम्हारी बहन का जगह तो बता दे करो। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? दीदी दीदी मुझे पटाखे दिलवा दो। चल। हाँ भैया बढ़िया बढ़िया पटाखे दिखा दो मेरे भाई के लिए। अच्छा मैडम अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये है तिल्ली बम। तिल्ली जलाओगे बम फूटेगा। नहीं नहीं तिल्ली बम नहीं, दूसरा दिखा। अच्छा ये लो, ये देखो मैडम पॉप पॉप बम है ये, ऐसे ऐसे फटता है। नहीं ये नहीं, कोई और सा दिखा। अच्छा ये लो मैडम, ये है चटर पटर ये ले जाओ। अरे भैया ये भी नहीं, कुछ अच्छा सा दिखा। अरे कुछ दिला भी दो। चुप खड़ा रहे। अच्छा मैडम ये लो, ये है बंदूक बम, इसमें मिसाइल डालो और धुम 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 उड़ा दो, ये पसंद आएगा इन्हें। अरे नहीं नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, ये बंदूक चलानी सीख जाएगा, कुछ और दिखाओ। मैडम हमारी दुकान पे जितने बम थे ना मैंने सारे दिखा दिए, अब हमारे पास कोई बम नहीं बचा, कोई लेना नहीं लेना। नहीं नहीं भाई साहब मुझे ऐसे बम चाहिए भी नहीं थे, मैं तो पास वाली दुकान से सोन पपड़ी लेने आई थी, सोचा इसे दिखा दूं, और वैसे भी है ना पटाखों से बहुत पॉल्यूशन होता है। चले जाओ दोनों यहाँ से, दिख मत जाना इस दुकान पे। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली, इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपने दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? हाँ क्यों? उसको बोलो राइट साइड पे ज्यादा ध्यान दे, फिटिंग अच्छी आएगी। ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है। हाँ जी मैडम। भैया आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? छोड़ तो देंगे मैडम, पैसे लगेंगे। ठीक है ठीक है। कितने पैसे हो गए भैया? 200 रुपए हो गए मैडम। भैया मेरे पास खुले हुए नहीं है, ये शॉप मेरे भैया की है तो मैं अंदर से लेके आ रही हूँ। ठीक है मैडम। भैया मुझे पार्टी वियर टॉप दिखा दो। आप बैठो मैडम, दिखाता हूँ। ये एक मैडम आपका, ये कितने का है भैया? मैम ये 800 रुपए का है। ये वाला पैक कर दो। भैया वो जो बाहर खड़े हैं ना वो मेरे भैया हैं, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ तो पैसे आपको वो दे देंगे, मैं उन्हें अंदर भेज रही हूँ। ठीक है मैम। भैया आपको मेरे भैया बुला रहे हैं अंदर पैसे देने के लिए, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ तो आप अंदर चले जाओ। ठीक है मैडम। हाँ भैया पैसे? हाँ भाई साहब 800 रुपए हो गए। अरे भैया 200 रुपए हो गए। आप कौन? मैं बाइक वाला। और आप कौन? मैं दुकान वाला। अच्छा और वो कौन? भाई साहब वो आप दोनों का चूना लगाने वाली।